माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को सीखने की आज की इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रिबन टैब्स के बारे में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि रिबन टैब्स का एमएस पावर पॉइंट में क्या यूज़ है और रिबन टैब्स के अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सीखना शुरू करते हैं। हमने पावर पॉइंट को ओपन कर लिया है। पिछली वीडियो में हमने फाइल टैब के बारे में सीखा, आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। अब बात करते हैं इस वीडियो की। पावर पॉइंट 2003 या उससे पहले वाले वर्जन्स में मेन्यूज और टूल बार्स का यूज़ किया जाता था, लेकिन फिर मेन्यूज और टूल बार्स को रिप्लेस करके पावर पॉइंट 2007 में रिबन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। रिबन इज द स्ट्रिप, या अगर हम सिंपली हिंदी में कहें तो रिबन एक ऐसी पट्टी है जिसपे बहुत सारे बटन्स और आइकन्स हैं जिनकी मदद से हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में काम करेंगे। जैसे ही हम इन बटन्स और आइकन्स पे क्लिक करेंगे, तब प्रोग्रामिंग के थ्रू इनमें जो कमांड्स दी गई हैं इनके सारे फीचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। रिबन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। रिबन में सबसे ऊपर टैब्स होती हैं जिन्हें हम रिबन टैब्स कहते हैं। इनमें सेम तरह की रिलेटेड कमांड्स के ग्रुप बने होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ट्रांजिशंस टैब, एनिमेशंस टैब, स्लाइड शो टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। ये सारे रिबन टैब्स हैं और जब भी हम एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो फॉर्मेट टैब नाम की एक और रिबन टैब ऐड हो जाती है। इन रिबन टैब्स के अंदर रिलेटेड कमांड्स ग्रुप्स में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हैं। यहाँ हर ग्रुप का नाम ग्रुप के नीचे दिया हुआ है, जैसे कि क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग। ये सारे ग्रुप्स होम टैब के अंदर बने हुए हैं। सेम इसी तरह से होम टैब की तरह ही बाकी के सभी टैब्स में भी सेम तरह के रिलेटेड कमांड्स प्रॉपरली ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज्ड हैं और सभी ग्रुप्स के नीचे हर ग्रुप का नाम दिया हुआ है। इन सभी रिबन टैब्स में से फॉर एग्जाम्पल के लिए हम होम टैब पर क्लिक करते हैं। अब हम नीचे टेक्स्ट एरिया में कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर पावर पॉइंट टाइप कर लिया है। अब मैं इस टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। कुछ भी चेंजेस करने से पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिस भी टेक्स्ट में हम चेंजेस करना चाहते हैं। पहले मैं इस टेक्स्ट के फॉन्ट को, साइज को और इसके कलर को चेंज करना चाहता हूँ। इन सभी ऑप्शन से रिलेटेड यहाँ होम टैब के अंदर फॉन्ट नाम का एक ग्रुप बना हुआ है। यहाँ से पहले हम इस टेक्स्ट के साइज को इनक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर जो 60 शो कर रहा है वो इस टेक्स्ट का साइज है। टेक्स्ट के साइज को चेंज करने के लिए इस नंबर के आगे जो डाउन एरो है उस पर एक क्लिक करना है। अब यहाँ से हम कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर को सिलेक्ट करने के लिए पॉइंटर को उस नंबर पे ले जाना है जिस भी नंबर को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब जैसे जैसे नंबर इंक्रीज हो रहा है, टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। मैं यहां से 96 को सिलेक्ट कर लेता हूं, जिससे कि इस टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो गया है। अब मैं इस टेक्स्ट के साइज को 96 से भी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहता हूं, लेकिन यहां पर इस लिस्ट में हाईएस्ट 96 ही शो हो रहा है। इससे ज़्यादा टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए यहां पर कोई भी नंबर टाइप करते हैं। मैंने यहां पर 150 टाइप कर लिया है। नंबर को टाइप करने के बाद एंटर की को प्रेस करना है, जिससे कि इस टेक्स्ट का साइज और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं और फिर एंटर की को प्रेस करके इस टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और इस ऑप्शन का यूज़ करके हम टेक्स्ट के साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करने के लिए हमें इस डाउन एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स दिए हुए हैं। अब जिस भी फॉन्ट को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उस फॉन्ट पे पॉइंटर को ले जाना है और फिर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ से हम इस टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। जिस भी कलर को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उस कलर पे पॉइंटर को ले जाना है और फिर एक क्लिक कर देना है, जिससे कि टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। इनके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं,
यहां से हम सिलेक्टेड टेक्स्ट की सभी तरह की फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। यहां से हम टेक्स्ट के केस को चेंज कर सकते हैं। यहां से कैरेक्टर स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। यहां से टेक्स्ट शेडो को ऐड कर सकते हैं और यहां से सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। होम टैब के अंदर सबसे पहले नंबर पे क्लिपबोर्ड नाम का ग्रुप है, जिसकी हेल्प से हम लोग टेक्स्ट को कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर नाम का एक और ऑप्शन है जो कि बहुत यूजफुल है। मैं यहाँ पर दूसरी स्लाइड में कोई टेक्स्ट टाइप करता हूँ। मैंने यहाँ पर टाइप किया सब्सक्राइब। अब मैं चाहता हूँ कि जो फॉर्मेटिंग हमने पावर पॉइंट वाले टेक्स्ट में की है, इसका साइज, टेक्स्ट कलर, शेडो, वो सारी फॉर्मेटिंग सब्सक्राइब वाले टेक्स्ट में भी आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को हम कॉपी करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर पावर पॉइंट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। हम यहाँ पर इस बॉक्स पे क्लिक करके भी इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें क्लिपबोर्ड ग्रुप के फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम चाहते हैं कि सेम फॉर्मेटिंग सब्सक्राइब वाले टेक्स्ट में भी आ जाए, तो हमें सिंपली यहाँ पर एक क्लिक करना है जिससे कि सेम फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट में भी आ जाएगी। क्लिपबोर्ड ग्रुप के बाद स्लाइड्स ग्रुप है, यहां से हम लोग न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। फॉन्ट ग्रुप के बाद पैराग्राफ नाम का ग्रुप है, जिसका यूज करके हम कंटेंट की पोजीशन को स्लाइड के अंदर सेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहां पर पावर पॉइंट टाइप किया हुआ है। अब हम इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेट करना चाहते हैं कि स्लाइड के अंदर ये टेक्स्ट कहां पर शो हो, लेफ्ट में, सेंटर में या फिर राइट में। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद जब हम पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यहां पर अलाइन लेफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट लेफ्ट साइड की तरफ को अलाइन हो जाएगा। यहां सेंटर पे क्लिक करने पर ये टेक्स्ट सेंटर को अलाइन हो जाएगा और इसी तरह से यहां अलाइन राइट पे क्लिक करने पर ये टेक्स्ट राइट साइड को अलाइन हो जाएगा। यहां से हम बुलेटेड लिस्ट और नंबर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यहां से हम लाइन स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। यहां से हम टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अलाइन टेक्स्ट का यूज करके हम टेक्स्ट को टॉप, मिडल और बॉटम में अलाइन कर सकते हैं। यहां से हम टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ ग्रुप के बाद ड्राइंग ग्रुप है, यहां से हम डिफरेंट शेप्स को स्लाइड्स के अंदर ऐड कर सकते हैं और यहां से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऑर्डर को, पोजीशन को अरेंज भी कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स को रोटेट भी कर सकते हैं। क्विक स्टाइल्स ऑप्शन का यूज करके हम सिलेक्ट किए हुए शेप और लाइन के विजुअल स्टाइल को क्विकली चेंज कर सकते हैं। शेप फिल का यूज करके हम सिलेक्टेड शेप को कलर्स और पिक्चर से फिल कर सकते हैं। यहां से सिलेक्टेड शेप के आउटलाइन के कलर, विड्थ और लाइन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और यहां से सिलेक्टेड शेप्स में विजुअल इफेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग रिबन टैब्स के अंदर सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस के बारे में जान रहे हैं जिनकी जरूरत हमें अभी बेसिक सीखने में पड़ेगी, क्योंकि सभी रिबन टैब्स के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं और उन सभी ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर हम सिर्फ एक ही वीडियो में उन सभी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करेंगे तो हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में सभी रिबन टैब्स के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स के लिए एक एक करके पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोज़ बनाता रहूँ। ड्राइंग के बाद यहाँ पर एडिटिंग का ग्रुप है, जिसके अंदर फाइंड का ऑप्शन है, जिसका यूज करके हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं और फाइंड करने के बाद रिप्लेस ऑप्शन का यूज करके हम उस टेक्स्ट को रिप्लेस भी कर सकते हैं। और यहां से हम सिलेक्ट ऑप्शन का यूज करके टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। होम टैब के बाद यहां पर इंसर्ट टैब है, जिसकी हेल्प से हम लोग इस प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजों को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्लाइड्स, टेबल्स, पिक्चर्स
जो कि हमारे इस कंप्यूटर में सेव्ड है, या फिर वो पिक्चर जो कि ऑनलाइन है हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट शेप्स को, चार्ट्स को, लिंक्स को, कमेंट्स को, टेक्स्ट को, सिंबल्स को, या फिर मीडिया को भी इंसर्ट टैब के अंदर से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टैब के बाद डिज़ाइन टैब है, जिसके अंदर डिफरेंट थीम्स गिवन है। यहाँ से हम अपनी प्रेजेंटेशन के लिए किसी भी थीम को चूज कर सकते हैं। डिज़ाइन टैब के बाद ट्रांजिशंस टैब है। ट्रांजिशन एक इफेक्ट है जो कि दो स्लाइड्स के बीच में लगाया जाता है। स्लाइड शो के टाइम जब प्रेजेंटेशन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव करती है, तो स्लाइड्स टैब का यूज़ करके हम लोग हर स्लाइड के ओपन होने से पहले एक ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, जिससे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। ट्रांजिशन टैब के बाद एनिमेशन टैब है। एनिमेशन टैब का यूज़ करके हम लोग सभी स्लाइड्स में टेक्स्ट, इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं। एनिमेशन टैब के बाद स्लाइड शो टैब है। यहाँ से हम स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कि सभी स्लाइड्स को सीक्वेंस वाइज वन आफ्टर अनदर डिस्प्ले कर सकते हैं और यहाँ से स्लाइड शो को सेटअप भी कर सकते हैं। स्लाइड शो टैब के बाद रिव्यू टैब है, जिसकी हेल्प से हम लोग वर्ड्स की स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, या फिर हमें कोई कमेंट ऐड या डिलीट करना हो तो वो हम यहाँ कमेंट्स नाम का जो ग्रुप है उसके अंदर दिए हुए ऑप्शन से कर सकते हैं। रिव्यू टैब के बाद व्यू टैब है, जिसके अंदर 5 टाइप्स के प्रेजेंटेशन व्यूज दिए हैं और 3 टाइप्स के मास्टर व्यूज दिए हैं। यहां पर जूम करने का ऑप्शन है और यहां पर मैक्रो का ऑप्शन है, जिसके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। व्यू टैब के बाद फॉर्मेट टैब है, जो कि तभी शो होती है जब हम किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। यहां से डिफरेंट शेप्स को ऐड कर सकते हैं, शेप्स के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के कलर को, आउटलाइन को या डिफरेंट विजुअल इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। यहां से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं और यहां से शेप और पिक्चर्स के साइज को भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो का मेन मोटिव ये था कि आप सभी को रिबन टैब्स के बारे में जनरल आइडिया हो जाए कि एमएस पावरपॉइंट में इसका क्या यूज़ है। बाकी जैसे जैसे हम थोड़ा एडवांस सीखते जाएंगे, रिबन टैब्स के अंदर के सभी ऑप्शंस को भी एक एक करके डिटेल में सीखते जाएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट से रिलेटेड हम आपके लिए और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।